दोस्तों रविचंद्रन अश्विन का विवादों से पुराना नाता रहा है। कभी वह विरोधी टीम के खिलाड़ियों से भिड़ जाते हैं तो कभी अंपायर से। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। न्यूजीलैंड का पहला विकेट गिरने के बाद भारतीय टीम न्यूजीलैंड पर दबाव बनाना चाहती थी और इसी बीच अश्विन द्वारा कुछ नया करने के चक्कर में बवाल हो गया। आपको बताते हैं कि आखिर क्या हुआ, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दरअसल ये सब कुछ हुआ न्यूजीलैंड की पारी के 77वें ओवर में, जब बॉलिंग करते टाइम अश्विन अपने फॉलो थ्रू में अंपायर को क्रॉस करके निकल रहे थे। तब अंपायर ने अश्विन को ऐसा करने से मना किया, लेकिन यहां अश्विन भी अंपायर से उलझने लगे। लेकिन अश्विन ने यहां कोई भी रूल नहीं तोड़ा था। अंपायर को लगा कि अश्विन पिच के डेंजर एरिया में भी जा रहे हैं, लेकिन अश्विन ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया और डेंजर एरिया से दूर रहकर ही गेंदबाजी की थी। हालांकि अश्विन अराउंड द विकेट गेंदबाजी की शुरुआत करके ओवर द विकेट खत्म कर रहे थे, जिससे अंपायर को बल्लेबाज दिखाई नहीं दे रहा था, जिसकी वजह से अंपायर को LBW आउट देने के डिसीजन में परेशानी हो सकती थी। इतना ही नहीं, अंपायर के साथ साथ अश्विन ना चाहते हुए भी नॉन स्ट्राइक रन पर खड़े बल्लेबाज का रास्ता भी रोक रहे थे। दोस्तों इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है कि यहां पर अश्विन की गलती थी या फिर अंपायर की, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अपनी राय जरूर दें।